नमस्कार, आप इसी की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुनानगर के एंटी नार्कोटिक्स सेल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि प्रेम प्रसंग के चलते इस व्यक्ति ने जो है प्रेमिका के साथ विवाह तो रचा लिया, लेकिन उसका खर्चा पूरा नहीं कर पाया था, जिसके बाद ANC टीम को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। आप सभी को जानकारी दे दें कि जम्मू कॉलोनी के रहने वाले हिम्मत को जो है 13 ग्राम नशे के पदार्थों के साथ ANC के सेल ने गिरफ्तार किया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि जम्मू कॉलोनी के बाहर अपनी बाइक पर जो है नशा बेचने की फिराक में झूम रहा था, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी जो है एंटी नार्कोटिक सेल में सामने आई है। आप सभी को जानकारी दे दें कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के नेतृत्व में सेल इंचार्ज प्रमोद वालिया के साथ जो है 13 ग्राम हेरोइन के साथ इसको गिरफ्तार करते हैं और टीम ने एक बेहद ही सफल काम करने का काम किया है। नशे को छोड़ दो, जीवन को मोड़ दो, जहर से नाता तोड़ दो। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के नेतृत्व में ANC की टीम एक बेहतरीन काम करती ही नजर आ रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि आजकल के जो नौजवान हैं, इनके खर्चे ज्यादा हैं, आय के स्रोत कम है, जिसके चलते एक बड़ी कार्यवाही के चलते ये स्मैक बेचने के लिए जो है निकलता है और जम्मू कॉलोनी के मोड़ पर ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 ग्राम नशे पदार्थ के साथ इसको गिरफ्तार करके यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लेकर जाया जाएगा और सिविल अस्पताल में ले जाने के बाद जो है इसका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद इसको यमुनानगर के माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि एंटी नार्कोटिक सेल की टीम एक बेहतरीन काम करती हुई नजर आ रही है और बेहतरीन काम करने के साथ साथ आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से अब जो है इसका रिमांड भी लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे नौजवान युवक हैं जो खर्चे ज्यादा होने के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। अगर आपको भी पता है किसी की जानकारी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का नशा करने का काम करता है, 88 18 1017 इसी नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और एंटी नार्कोटिक सेल जिला यमुनानगर की टीम को बता सकते हैं। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहा है 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।